नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कांग्रेस के गढ़ अमेठी में भाजपा की चुनौती, अमित शाह बोले हारने के बाद भी स्मृति ईरानी ने अमेठी को गले लगाया, कभी कभी आते हैं राहुल गांधी। नारदा सिंह ऑपरेशन मामले में तृणमूल विधायक इकबाल अहमद के कोलकाता स्थित होटल पर सीबीआई छापा, पूछताछ भी की गई। राहुल गांधी का अमित शाह और सरकार पर हमला, बेटी बचाओ से आगे बढ़ते हुए बेटा बचाओ में लग गई है भाजपा सरकार। वित्त मंत्रालय ने कहा 14 लाख इकाइयों ने दाखिल नहीं किया जीएसटी, एक अब नहीं बढ़ेगी तारीख। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा अमित शाह के बेटे जय शाह पर लगे आरोप निराधार। सोनीपत धमाके में दोषी लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी अब्दुल करीम टुंडा को उम्र कैद, 1 लाख रुपए का जुर्माना। विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात में घटा वैट, लगभग 3 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल। गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल नहीं लड़ेंगी विधानसभा चुनाव, अमित शाह को पत्र लिखकर दी जानकारी। योगी आदित्यनाथ फिर मुश्किल में, उत्तर प्रदेश के शामली में जहरीली गैस का रिसाव, 300 बच्चे बीमार। उत्तर कोरिया की नई धमकी, युद्ध हुआ तो खंड खंड हो जाएगा जापान, मिट जाएगा वजूद। संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी, दुनिया में 80 करोड़ लोग बेरोजगार, 2016 की तुलना में इस वर्ष का आंकड़ा 34 लाख ज्यादा। सीरिया में रूसी लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, चालक दल के 4 सदस्यों की मौत। पूर्वी अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में बंदूकधारियों के हमले में 2 पुलिसकर्मियों सहित 16 लोगों की मौत। ये थी आज की खास खबरें, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।